नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का देवभूमि में। और सबसे पहले बात करते हैं कि आज वैष्णवी संप्रदाय के संतों ने सीएम तीरथ से मुलाकात की है, कुंभ के सफल आयोजन के लिए आभार जताया है। मेला क्षेत्र की समस्याओं पर सीएम से चर्चा की गई है। सीएम तीरथ सिंह रावत ने संतों का आशीर्वाद लिया। सीएम ने सहयोग के लिए सभी संतों का आभार जताया। तो देहरादून में आज संतों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और मुलाकात के बाद संतों ने आभार जताया सफल आयोजन को लेकर, कुंभ मेला के सफल आयोजन को लेकर। वहीं मुख्यमंत्री ने भी सभी संतों से आशीर्वाद लेते हुए उन्होंने कहा कि आप लोगों का जो सहयोग रहा ये बहुत ही काबिले तारीफ सहयोग रहा और इसके लिए हम आप सबका आभार व्यक्त करते हैं। तो सीएम तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री से मुलाकात की, संतों ने कुंभ के सफल आयोजन के लिए आभार जताया। सुमित सैनी जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ। सुमित, आखिरी स्नान भी खत्म हो चुका है और अब समापन यानी 30 तारीख को समापन होगा, जो औपचारिक रूप से पहले से ऐलान किया गया था। क्या स्थिति है वहां पर? संतों ने तो आज मुख्यमंत्री से मुलाकात करके काफी खुश भी नजर आए, आभार भी जताया है सफल आयोजन को लेकर। क्या कुछ रहा? बिल्कुल, कुंभ का जो शाही स्नान था वो अब खत्म हो चुका है। कुंभ के सारे शाही स्नान खत्म हो चुके हैं। हालांकि कुंभ अब समापन हो चुका है, लेकिन आधारिक तौर पर भी 30 तारीख को समापन होगा। इसमें आज संतों ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से मुलाकात भी की और उस आभार भी व्यक्त किया, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सन्यासी अखाड़े थे उन्होंने कुंभ का समापन की घोषणा कर दी थी पहले ही। तो आज जो तो उसके बाद भी जो 27 अप्रैल का जो स्नान था या अंतिम स्नान था, इसमें बैरागी अखाड़े इसमें स्नान करते, तो आज बैरागी संतों ने जो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से मिलकर आभार व्यक्त किया कि अच्छी तरह से जो कुंभ को इस कोरोना काल में भी कुंभ को सुचारू रूप से इसको समापन किया गया। तो उसके ये 30 तारीख को इसके कुंभ के पूरे समापन की घोषणा हो जाएगी विधिवत तौर से। जी, और अभी वहां पर क्या स्थिति है, तस्वीरें क्या नजर आ रही है कुंभ क्षेत्र? बिल्कुल, कुंभ क्षेत्र अब तो सुनसान हो गया है, क्योंकि कर्फ्यू, हरिद्वार जनपद में कर्फ्यू लगा हुआ है, तो कर्फ्यू के चलते आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। तमाम जो व्यापारिक संस्थान है वो बंद है, जो एसेंशियल सेवाएं हैं, एसेंशियल सेवा ही जो मेडिकल से रिलेटेड या दूध या खाद्य पदार्थ राशन से रिलेटेड ही संस्थान खुले, वो भी 5 बजे तक खुले, उसके बाद सन्नाटा सा पसरा हुआ है। क्योंकि हर की पौड़ी जो क्षेत्र है वो पूरी तरह से अब सुनसान दिखाई देने लगा है, क्योंकि कुंभ 27 अप्रैल के स्नान के सभी पर्व खत्म हो गया। अब जो स्नान पर्व है अभी मई तक चलेंगे, लेकिन हालांकि आज जो जूना अखाड़े ने भी आज घोषणा की है कि हम ये 15 मई तक सभी जो स्नान है स्नान को सुचारू रूप से हम पूरे स्नान को मनाएंगे और कोविड के जो नियम है गाइडलाइन है उनको भी पूरा करेंगे। हालांकि जो आने वाले श्रद्धालुओं में भी बहुत जो आने वाले यात्रियों में भी कमी होने लगी है, क्योंकि पूरे ही प्रदेश में जैसे कि कोरोना संक्रमण के चलते कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है, क्योंकि उत्तराखंड पूरा पर्यटक स्थल है, तो जो इसके लिए चारधाम यात्रा के लिए भी श्रद्धालुओं को आना है। तो अब लेकिन इस तरह का जो माहौल है, लोगों के अंदर डर का भी माहौल है, तो अभी पूरी तरह से जो पर्यटन क्षेत्र है ये, और लेकिन फिर भी अब पर्यटकों का भी की भी संख्या खत्म कम लगभग कमी है और यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं की भी संख्या कम है, क्योंकि उत्तराखंड में प्रवेश करने से पहले आरटीपीसीआर की रिपोर्ट नेगेटिव रिपोर्ट लेके आनी होती है। और जो ये कुंभ के कोरोना के चलते जो कर्फ्यू लगा हुआ है पूरे प्रदेश में लगा है, कई जनपदों में कर्फ्यू लग चुका है अब, तो उसके चलते भी यहाँ पर अब सन्नाटा सा पसरा हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहें और कोरोना को लेकर भी आपसे हम रिपोर्ट लेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश में, खासकर उत्तराखंड में आज क्या स्थिति रही वहां पर। देवभूमि में कोरोना ने तोड़े अब तक के सारे रिकॉर्ड, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6054 केस सामने आए हैं। उत्तराखंड में 24 घंटे में कोरोना से 108 लोगों की मौत भी हुई है और 24 घंटे में 3485 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। उत्तराखंड में कोरोना के 45,383 एक्टिव केस हैं, जबकि देहरादून में 2,329, हरिद्वार में 1,178 नए केस मिले हैं, नैनीताल में 6,665, उधम सिंह नगर में 849 नए केस मिले हैं, जबकि चमोली में 175, अल्मोड़ा में 140 नए केस मिले हैं, टिहरी में 109, वहीं बागेश्वर में 108 नए केस मिले हैं। यानी ये जो आंकड़ा है वो बेहद ही चौंकाने वाला आंकड़ा है और इसमें कहीं से भी कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लोग परेशान हैं, काफी तकलीफ में है हर कोई और कोरोना
का जो कहर है वो लगातार बरकरार है। सुमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जहां तक हरिद्वार की बात कर लीजिए, देहरादून, अलग अलग जगहों से 6054 केस आए हैं यानी 24 घंटे के भीतर, और ये जो आंकड़े हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले आंकड़े हैं। यानी लाख प्रयास के बावजूद भी जो संक्रमण की जो स्थिति है वो कम नहीं हो रही है। अब बिल्कुल विद्यासागर, ये जो आज आंकड़े आए हैं, आज बेहद चौंकाने वाले आंकड़े आए हैं। जो 108 लोगों के पिछले 24 घंटे के अंदर मृत्यु का जो आंकड़ा है कोरोना को चलते, ये एक डरावने आ रहा जो आंकड़ा है, क्योंकि लंबे अरसे से जो कोरोना का संक्रमण चल रहा है और इसको लेकर सरकारें, प्रशासन सब दावे कर रहे हैं, इसको लेकर प्रयास कर रहे हैं कि इसको किस तरह से कम किया जाए, लेकिन ये कम होने के बजाय लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं स्थिति भयावह स्थिति होती जा रही है। राजधानी में ही 2000 से ऊपर कोरोना संक्रमित लोग पाए गए हैं। ये भी आंकड़ा टूटने का नाम नहीं ले रहा। राजधानी में लगातार भयावह स्थिति बनती जा रही है। और हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार में 2000 से ऊपर डेली का 1000 से ऊपर आंकड़े कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं। अब स्थिति ये हो गई है विद्यासागर, जो उत्तराखंड के जो पहाड़ी जिले थे, पहाड़ी जिलों में जहां पर कोरोना संक्रमण की जो संक्रमण था वो बहुत कम मात्रा में था, तो आज जो आंकड़े आ रहे हैं वो वहां भी चौंकाने वाले आ रहे हैं। वहां पर भी 100 से ऊपर कई कई जिलों में जहां पर 2-4 केस ही कोरोना संक्रमित के जो आ रहे थे, अब वहां भी 300-400 के ऊपर जो आंकड़े आ रहे हैं। कहीं ना कहीं अब ये पहाड़ हो या ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, तमाम क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण पूरी तरह से कहर भर पा रहा है, क्योंकि इसके चलते जो मौत का आंकड़ा है, जो 24 घंटे में 108 लोगों की मौत होना भी एक बहुत बड़ा सवाल या भी निशान खड़ा करता है, क्योंकि मेडिकल सुविधाओं को लेकर तमाम दावे किए जा रहे हैं कि सुचारू रूप से मेडिकल सेवा चालू है और कोविड के इसके लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था करा दी गई है, रेडीमेड इंजेक्शन की जो इंजेक्शन के लिए जो ब्लैक चल रहा था वो भी उसकी भी व्यवस्था करा दी, उसकी भी खेप आ गई है उत्तराखंड में। लेकिन कहीं कर जो आंकड़े हैं ये जो ऊपर के ऑर्डर है, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी पूरी तरह से ऑर्डर दिए हुए हैं और प्रशासन पूरी तरह सतर्क दिखाई दे रहा, लेकिन जो धरातल की स्थिति है, धरातल की स्थिति बड़ी भयावह स्थिति है। लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं के जो पेशेंट जो हॉस्पिटलों में एडमिट है वो कोई ऑक्सीजन के लिए तड़प रहा है, कोई वेंटिलेटर के लिए तड़प रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। यानी कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि स्थिति अभी भी भयावह है और हर चीज को लेकर लोग परेशान है, चाहे ऑक्सीजन को लेकर हो, चाहे बेड को लेकर हो, या इलाज को लेकर हो, एम्बुलेंस को लेकर हो, कोशिशें हो रही है सरकार की तरफ से, लेकिन स्थिति अभी बहुत ही चिंताजनक है। देहरादून से खबर है, सीएम तीरथ सिंह रावत की अपील, कोरोना से बचने के लिए नियमों का पालन जरूर करें, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है, दूसरे राज्यों को भी ऑक्सीजन की आपूर्ति हमने की है, हमारे पास दिक्कत सिर्फ सिलेंडर की है, सिलेंडर की आपूर्ति भी की जा रही है। तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने यह बात कही है। आपको बता दें कि उन्होंने लोगों से अपील की है कि आप नियमों का पालन जरूर करें और ऑक्सीजन की चिंता बिल्कुल ना करें, हमारे पास ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है और हमने दूसरे राज्यों को भी सप्लाई दी है, अगर दिक्कत है तो सिलेंडर की, ऑक्सीजन सिलेंडर की दिक्कत है। कोरोना पे हम पूरी तरह जिस तरह व्यवस्थाएं होनी चाहिए उस पर हम आगे बढ़े हैं और ऑक्सीजन हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है, इवन कि हमने अन्य स्टेटों को भी थोड़ा बहुत दिया है। हॉस्पिटल हमारे पास पूरे हैं, आपका यदि मैं कहूँ स्पोर्ट्स कॉलेज में भी हमने 1000 बेड दिए हैं, हल्द्वानी में भी जो आपका मेडिकल कॉलेज है उसके अतिरिक्त 5 प्राइवेट कॉलेज, साथ ही आपका स्पोर्ट्स कॉलेज में भी वहाँ 150 बेड दिए हैं और जगह भी कल हम गए थे कैंट में भी 150 इस तरह के बेड हैं जोशी जी के एरिया में हमारे मंत्री जी के, और कल सैला कुई में भी गए, वहाँ भी हमने 100 बेडों की बात की जो विद ऑक्सीजन बेड होंगे, ऐसे बढ़ा रहे हैं। आज मेडिकल कॉलेज में भी 50 बेड और आ जाएंगे, शादी कोरोनेशन जो हॉस्पिटल है वो शुरू हो चुका है, कल उसमें भी 30 ऑक्सीजन बेड, लेकिन 100 बेड हैं उनको भी पूरा करेंगे। दिक्कत सिलेंडरों की, लेकिन वो भी हमारे पास पूरे आ रहे हैं, पर्याप्त मात्रा में हैं। और जो अभी कल ही 7,500 रेमडेसिविर इंजेक्शन हमने मंगाए हैं, हैदराबाद से सीधे अपना हमने हेलीकॉप्टर जहाज भेजा था और वो कल शाम तक आ गया, अभी 2,500 और आने वाले, जिसके रहने से क्योंकि ये जो एम्बुलेंस है और इसके अंदर जिस तरह सारे उपकरण हैं ऑक्सीजन से लेकर के और आपका एक स्टेबल तो है ही, लेकिन साथ में पहाड़ी में भी हो गया तो वहाँ के लिए भी दूसरा एक स्थिति इस तरह उठाने का और जो व्यवस्था दी है
मैं सोचता हूँ कि पहली बार ऐसा एक एम्बुलेंस इस प्रकार की पहाड़ को मिल रही है, उत्तराखंड को मिल रही है, तो मैं इसके लिए NH और उनके सीएसएफ से जो दिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अपने जो भी इस प्रकार अपने वहाँ के अन्य हैं, चेयरमैन हैं और पैनल जी अपना इस उसको देख रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि हम दो नहीं तो और भी पूरे जिलों में एक एक और बढ़ाएंगे देंगे। इसके वहीं कोरोना पर काबू पाने के लिए तीरथ सरकार का फैसला, 1 करोड़ तक के कोविड संबंधी काम करा सकेंगे विधायक। कोविड संक्रमण के बढ़ते मरीजों की संख्या को लेकर यह निर्णय लिया गया है, संकट काल में इस निर्णय का फायदा मिलेगा। कोविड संक्रमण के बढ़ते मरीजों की संख्या को लेकर सरकार ने यह फैसला लिया है, संकट काल में इस निर्णय का फायदा मिलेगा। आपको बता दें कि 1 करोड़ तक काम करा सकेंगे विधायक कोरोना संबंधी। महत्वपूर्ण निर्णय आज हमारी सरकार ने लिया, मुख्यमंत्री जी ने आज प्रदेश के सुदूर क्षेत्र में भी आम व्यक्ति को कोविड की जंग को जीतने का में मदद दी जा सके इसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया है सरकार ने। मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा की गई है कि इस प्रदेश के 70 विधानसभा क्षेत्र जिस तरह हैं, हर विधायक अपनी विधायक निधि से अपने विधानसभा क्षेत्र में 1 करोड़ रुपया कोविड की जंग में आम आदमी को मदद पहुँचाने के उद्देश्य से 1 करोड़ रुपये का खर्चा कर सकता है विधायक निधि से, जिसके माध्यम से वो ICU वार्ड्स हों, वेंटिलेटर्स हों, ऑक्सीजन सिलेंडर्स हों और अन्य तमाम तरह की सुविधाएं जो कोविड की जंग में आवश्यक है उनको उस पर 1 करोड़ रुपये खर्चा करने का जो आज ये एक अधिकार दिया, जिसमें माननीय सम्मानित विधायक जिलाधिकारी और CMO के साथ विचार विमर्श करने के बाद किस हॉस्पिटल में क्या हो सकता है उसकी आपूर्ति कर सकता है। ये एक ऐसा निर्णय है जिससे प्रदेश के सुदूर क्षेत्र में जो छोटी छोटी SCDs भी काम कर रही हैं, जो एडिशनल PHC और PSC जो काम कर रहे हैं, बड़े अस्पतालों के अलावा यहाँ पर भी ये सुविधाएं मुहैया कराई जा सकेंगी, जिससे सुदूर क्षेत्र में भी आम आदमी को कोविड की जंग में उसका इलाज हो पाएगा और इसका फायदा निस्संदेह इस भौगोलिक रूप से बड़ी विकट भौगोलिक परिस्थितियों वाले इस राज्य में सुदूर क्षेत्र के लोगों को इसका फायदा मिलेगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है और इस निर्णय से निस्संदेह कोविड के खिलाफ जंग लड़ने में एक बहुत बड़ी। और इस बीच रुड़की से बड़ी खबर आ रही है, विधायक देशराज कर्णवाल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, बेटे कनिष्क की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। विधायक ने संपर्क में आए लोगों से जांच की अपील की है। झबरेड़ा से बीजेपी विधायक हैं देशराज कर्णपाल। तो लगातार आम हो या खास, हर कोई कोरोना के चपेट में आ रहे हैं और झबरेड़ा से बीजेपी विधायक देशराज कर्णपाल भी कोरोना पॉजिटिव पाए। खबर देहरादून से, जहां प्रदेश के सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे, 1 मई तक बंद रहेंगे प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालय, जरूरी सेवा से जुड़े कार्यालय ही खुले रहेंगे। कोरोना संक्रमण के चलते तीरथ सरकार का ये फैसला आया है। आपको बता दें कि प्रदेश के सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे, कोरोना संक्रमण के कारण ये फैसला लिया गया है। 1 मई तक बंद रहेंगे प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालय, जरूरी सेवा से जुड़े कार्यालय ही खुले रहेंगे। धर्मनगरी हरिद्वार में आज से कोविड कर्फ्यू ट्रैफिक पुलिस ने घूम रहे लोगों के लिए चालान किया है। जिलाधिकारी सी रविशंकर ने 3 मई तक कोविड कर्फ्यू के आदेश दिए हैं। आवश्यक सेवाओं से संबंधित दुकानें 4 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। जिलाधिकारी सी रविशंकर ने 3 मई तक कोविड कर्फ्यू लगाने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि आवश्यक सेवाओं से संबंधित दुकानें ही 4 बजे तक खुली रहेगी। धर्मनगरी हरिद्वार में आज से कोविड कर्फ्यू लागू है और ऐसे में ट्रैफिक पुलिस ने घूम रहे लोगों के का चालान भी किया है। देखी रहूंगा, रानीपुर मोड़ का क्षेत्र है, यहाँ पे हमने बैरियर्स लगा रखे हैं और जो अनावश्यक रूप से जितने भी आवागमन कर रहे हैं, जो एसेंशियल सर्विसेज के लिए नहीं जा रहे हैं, जैसे मेडिसिन के लिए नहीं जा रहे हैं, केवल फालतू ही घूम रहे हैं, उन लोगों को हम रोक रहे हैं, उनको वापस घर भेज रहे हैं या फिर उनका हम चालान कर रहे हैं। अभी यही कार्रवाई अमल में लेके लाई जा रही है। अभी 2-3 चालान करे हैं, केवल एक सांकेतिक है। चालान करना हमारा मेन मकसद नहीं है, मेन मकसद ये है कि लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करवाएं, लोगों में एक भय का माहौल क्रिएट हो कि अब हमें कोरोना संक्रमण को नहीं बढ़ाना है,
जो गाइडलाइंस जारी की गई है डीएम साहब महोदय की तरफ से जो लेटर्स जारी किए गए हैं उनका अनुपालन कराना हमारा मकसद है। हमारा मकसद चालान करना नहीं है। हम चाहते हैं कि कम से कम लोग सड़कों पर आएँ, केवल वही लोग आएँ जो एसेंशियल सर्विसेज के लिए आ रखे हैं या जो कोई इकाइयाँ कोई निर्माण कार्य जैसे सिडकुल के जो हैं उनके के पासेस जारी किए गए हैं, जिनके पास वो पास होगा उन्हीं को अलाउ किया जाएगा। ये इम्प्लीमेंटेशन तभी हो पाएगा जैसे हर चौराहों पे जब चेकिंग होगी, फिल्टर होकर जब यहाँ पे आएंगे तो डेफिनेटली। हरिद्वार कुंभ में आखिरकार कर्फ्यू का ऐलान कर ही दिया गया है, लेकिन ये ऐलान उस वक्त किया गया है जब कुंभ के समापन में महज कुछ ही दिन बचे हैं। अगर ये फैसला पहले लिया जाता तो कुंभ में आने जाने वालों पर सख्ती होती, कोरोना नियमों का पालन कराया जाता तो शायद कुंभ की स्थिति ऐसी नहीं होती। हजारों साधु संत श्रद्धालु कोरोना संक्रमित हो गए, यहाँ तक कि कोरोना से एक महामंडलेश्वर की मौत भी हो गई, फिर भी कुंभ में कोरोना को रोकने के लिए कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया। हाँ, अब जाकर कर्फ्यू लगाया है लेकिन बहुत देर से। संपन्न हुआ अंतिम शाही स्नान, कुंभ में कर्फ्यू का ऐलान। अगर पहले हो जाता फैसला तो नहीं बिगड़ता कुंभ का मामला। देर से ही सही, लेकिन हरिद्वार कुंभ में जिस पाबंदी की जरूरत थी उसे लागू करने का ऐलान कर दिया गया है। कुंभ में मंगलवार को अंतिम शाही स्नान संपन्न होने के बाद बुधवार यानी 28 अप्रैल से 3 मई तक कुंभ में कर्फ्यू लगाया गया है। हालांकि ये फैसला अगर पहले ले लिया जाता तो कुंभ की स्थिति खराब नहीं होती और कुंभ में कोरोना का कोहराम नहीं मचता। कुंभ में शाही स्नान और दूसरे कार्यक्रमों के बीच कोरोना नियमों को बार बार ताक पर रखा गया, जिसके चलते हजारों साधु संत कोरोना संक्रमित हुए। कुंभ के समापन में अब ज्यादा वक्त नहीं है, फिर भी प्रशासन का कुंभ में कर्फ्यू लगाने का फैसला बिल्कुल ठीक है, भले ही देर से ही क्यों ना हो। चलिए आपको बताते हैं कुंभ में कर्फ्यू के दौरान क्या क्या होगा। 3 मई तक कुंभ में कर्फ्यू। हरिद्वार में केवल जरूरी सेवाओं के लिए आवाजाही की इजाजत। हरिद्वार के ग्रामीण इलाकों रुड़की, लक्सर और भगवानपुर में कर्फ्यू। कुंभ में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए पीएम मोदी ने 18 अप्रैल को अखाड़ों से अपील की थी कि कुंभ को केवल प्रतीकात्मक समझा जाए। पीएम मोदी की अपील के कुछ घंटों बाद जूना अखाड़ा के प्रमुख स्वामी अवधेशानंद गिरी ने कुंभ के समापन की बात कही थी और कई अखाड़ों से भी इसके पालन के लिए निवेदन किया था। इसके बाद कई अखाड़ों ने कुंभ के समापन का ऐलान किया था तो वहीं कुछ ने 27 अप्रैल के शाही स्नान के बाद ही मेले के समापन की बात कही थी। कुंभ में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते गए लेकिन आस्था के सामने फैसला लेने में बहुत देरी हुई। 10 से 15 अप्रैल के बीच कुंभ में 2000 से ज्यादा श्रद्धालु कोरोना संक्रमित हुए। कई अखाड़ों के साधु संत कोरोना संक्रमित हुए। जूना निरंजनी और आह्वान अखाड़े के कई साधु संत कोरोना पॉजिटिव हुए। सन्यासी अखाड़ों और बैरागी शिविरों में भी कई संत कोरोना संक्रमित मिले। मध्य प्रदेश से आए निर्वाड़ी अखाड़ा के महामंडलेश्वर कपिल देवदास की कोरोना से मौत। अब धीरे धीरे कुंभ से साधु संतों और श्रद्धालुओं की वापसी हो रही है। देश भर में कोरोना के प्रचंड प्रकोप के बीच दिल्ली, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों ने कुंभ से लौटने वाले श्रद्धालुओं के लिए कोविड की आरटीपीसीआर जांच और होम आइसोलेशन अनिवार्य किया है। अब आखिरी वक्त में कुंभ में कर्फ्यू तो लगा दिया गया है, लेकिन ये काम पहले होता तो ज्यादा बेहतर था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन इंडिया। और इसी के साथ देवभूमि बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ वन इंडिया के साथ।